नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। बता दे कि बीते दिनों मनीष सिसोदिया को दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप था कि वो सीबीआई की जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लगातार सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इस वजह से उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद दूसरे दिन उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है दोबारा फिर दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है पेश किया गया। दिल्ली पुलिस और सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया पर बेहद ज्यादा सख्त नजर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि मनीष सिसोदिया जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को जो है राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए मनीष सिसोदिया यहां पर नजर आएंगे आप लोगों को। देखिए, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि मनीष सिसोदिया जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट से जो है न्याय की गुहार लगाएंगे। जब बिहार दिल्ली में उनका जो कार्य है वो नहीं हुआ, उन्हें न्याय नहीं मिला, इसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब वो जल्द से जल्द यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।